गठबंधन में शामिल होने को लेकर जननायक जनता पार्टी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला ने साफ कर दिया है कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। उन्नाव रेप केस को लेकर जहां एक तरफ देश गुस्से में है तो वहीं बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है। हरियाणा के पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने मांग की है कि पीड़ित को न्याय मिले और आरोपी विधायक को फांसी की सजा मिले। बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात सोनीपत का एक जवान शहीद हो गया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया। फतेहाबाद के रतिया में बस की कमी से परेशान स्कूली छात्राओं ने बस स्टैंड का गेट बंद कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्राओं को समझाकर गेट खुलवाया। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में 60 लाख की लागत से बनने वाली सड़क के काम का शुभारंभ किया गया। इस सड़क का शुभारंभ विधायक मूलचंद शर्मा ने नारियल फोड़कर किया। सड़क के बनने से लोगों को काफी फायदा मिलेगा। पानीपत में कुछ बदमाशों ने कुश्ती खिलाड़ी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई है। फतेहाबाद के राजकीय कन्या विद्यालय में 20 शौचालय का शुभारंभ किया गया। शौचालय का उद्घाटन जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने किया, जिससे छात्राओं को इस समस्या से जूझना ना पड़े। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा पंचकुला के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां आयोजित 3 दिवसीय आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट के सेमिनार का समापन किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में हुए घोटाले को विधानसभा में रखने की बात कही। भिवानी में कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार 2 लड़कों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सोनीपत के गांधी चौक पर मौजूद एक कपड़े की दुकान से 2 महिलाओं ने हजारों के कपड़े चुरा लिए और फरार हो गई। दोनों महिला चोर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है।